मैं हूं सलामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा सील फाटक पे एक एक कंपाउंड में आग लग गई। ये आग रात करीब 1 बजे के दरमियान लगी। आग पास के ही एक गोदाम में लगी, मगर देखते ही देखते आसपास के गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी दमकल विभाग को दी गई, मगर दमकल विभाग भी करीब 1 घंटे देरी से पहुंची। तब तक आग में 5 गोदाम जलकर राख हो गए थे। इस अग्निकांड में 5 बकरियों की भी जलकर दर्दनाक मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि सील फाटा परिसर में आग बार बार क्यों लगती है? ये आग कोई बिल्डर जमीन कब्जा करने के इरादे से तो नहीं लगवाता है? आखिर कौन है इस अग्निकांड के पीछे? कौन है वो लोग जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? जरा सोचिए, कहीं इन 5 बकरियों की जगह 5 इंसानों की जान जलकर गई होती तो कौन होता इसका जिम्मेदार? कितने बजे आग लगी? ये लगभग कोई 1 बजे के करीब लगी है। कितने गाने ऐसे थे जो यहाँ पर जले? क्या क्या काम था? लगभग कोई 4 या 5 से गाने जले हैं। उनमें लकड़े का काम था और पन्नी का काम था। ये गाले अपना जो है सब गरीब गुरबा आदमी थे जो अपना मेहनत मजदूरी करने वाले थे, जिन जिन के गाले जले हैं। अपना जो है अभी मालूम नहीं पड़ रहा किस चीज़ से लगी है आग, ये इसका मालूम नहीं पड़ रहा, मगर बहुत ज़्यादा अपना लगी है। फायर ब्रिगेड क्या समय से आई थी? फायर ब्रिगेड लगभग कोई 1 घंटे में आई है। 1 बजे आग लगी है, लगभग 1:45 बजे जो है फायर ब्रिगेड आई है। यहाँ पर कॉल बहुत जैसे आग लगी तुरंत कॉल करना चालू कर दिया था, मगर जो है फिर भी 1 घंटे के बाद वो आई है। 1:45 बजे 1 बजे आग लगी है और 2 बजे के करीब आई है। 1 घंटा आने में लगा। वो जानवर जो है उनको खोल दिया था मगर वो भाग नहीं पाए। 4 से 5 के जानवर थे, बकरियाँ थीं, बकरी और बकरी के बच्चे, मगर वो भाग नहीं पाए तो वहीं पर जल गए हैं। एक बच्चा निकल के वो भाग गया था, बाकी जो उधर ही अपने आग के चपेट में आ गए। बार बार सील फाटा परिसर में आग लगने की घटना सामने आ रही है तो इस पर दमकल विभाग की नींद क्यों नहीं खुलती है? क्यों नहीं दमकल विभाग इन इलाकों में बने गोदामों की जाँच क्यों नहीं करता? क्या इस परिसर में बने गोदामों में आग से सुरक्षा के इंतजाम हैं? अगर नहीं है तो दमकल विभाग इन्हें नोटिस क्यों नहीं देती है? क्या दमकल विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? कुंभकर्णी की नींद सो रही दमकल विभाग कब जागेगी? सील फाटा परिसर में ऐसे बहुत से गोदाम और कारखाने हैं जिसमें आग की रोकथाम यानी सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं है, मगर दमकल विभाग इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, जबकि आए दिन इन परिसरों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। हैरानी भी इस बात पर होती है, ज्यादातर घटनाओं का पता ही नहीं चलता कि आग लगी या लगवाई गई। फिलहाल इस आग को बुझाने में दमकल विभाग के करीब 10 गाड़ियां लगी और ये आग भी कैसे लगी इसका भी पता नहीं चल सका। तो देश और दुनिया के तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।